ऐसे कितने लोग ऐसे हैं, आप जितने लोग बैठे हैं सबसे मेरा सवाल है, बताइए आप में से कितने लोगों को क्रोध सताता है, आप में से कितने लोग लोभी हैं, जो लोभी हैं वो हाथ उठाएं। आप लोभी हैं? आप लोभी हैं? नहीं, आप लोभी हैं? मैया लोभी हैं? आप लोभी हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं, चलो आप में से कितने लोग कामी हैं, जो कामी है वो हाथ उठाएं। कोई नहीं, कामी नहीं है आप, क्रोधी नहीं है आप, लोभी नहीं है आप। चलो आप में से जितने अभिमानी हैं वो हाथ उठाएं। देखो यही है कपट आप लोगों का। ये सवाल आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप लोगों के अंदर काम नहीं है, वासनाएं नहीं है? हैं, लेकिन आप कहना नहीं चाहते सबके सामने। आप क्रोधी हैं पर आप कहना नहीं चाहते। आप लोभी भी एक नंबर के हैं, लेकिन आपको सबके सामने हाथ उठाने में शर्म आती है, कहना नहीं चाहते। और भगवान कहते हैं यही तो कपट है। तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम अभिमानी हो, लेकिन भगवान के सामने जब गए, बैठे हो भगवान के सामने, कैसा कहना चाहते? नहीं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। अच्छा, क्या भगवान नहीं जानते कि तुम कितने अच्छे हो? क्या भगवान नहीं जानते कि तुम्हारे मन में कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह, कितनी बुराइयां, लेकिन आपके अंदर भरी पड़ी हैं बुराइयां, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। भगवान कहते हैं यही कपट है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। किसे नहीं बताना चाहते? भगवान को। अरे भाई, कामी हो तो कहो कि हे प्रभु हम कामी हैं, क्रोधी हो तो कहो कि हे प्रभु हम लोभी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, अभिमानी हैं। अरे भैया, इस संसार में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको काम ना सताता हो, क्रोध ना सताता हो, लोभ ना सताता हो, अभिमान ना सताता हो। इन बुराइयों से जो जीत जाएगा वो भगवान हो जाएगा, इंसान कहां रहेगा? इनसे भगवान जीत सके हैं, वरना काम से तो शंकर जी पराजित हो गए, काम से शंकर जी हार गए, नारद जी हार गए, इंद्र हार गए, हम तुम कौन हैं? लेकिन इसलिए आप भगवान से कहा करो कि हे प्रभु हम कामी हैं। अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप हैं या नहीं। कहो कि हे नाथ हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं। मैं अपना तो बताऊं, मैं तो कामी हूं, मैं क्रोधी भी हूं, मैं लोभी भी हूं, मैं अभिमानी हूं। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसी संसार में कोई पाप नहीं है जो पाप मैंने ना किया हो। इतना बड़ा पापी हूं मैं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं। इस धरती में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो बुराई मेरे भीतर ना हो। आप लोगों के अंदर है या नहीं? अब हो गई, पहले नहीं थी, अभी अभी हुई है। पहले कहां थी? पहले तो आप सब गंगा की तरह पवित्र थे। भगवान के सामने जाया करो तो कहा करो, हाथ जोड़ो सब लोग, और होशियार बनो संसार के आगे, भगवान के आगे नहीं। भगवान को पता है कि हम कितने होशियार हैं, क्यों? वो तो अंदर बाहर सब की जानता है। हाथ जोड़ो सब लोग, जोड़ो हाथ और बोलो भगवान से, रोज अपने घर में भगवान से ऐसा बोला करेंगे आप लोग आज के बाद। बोलो हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अभिमानी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हम आपके हैं,
हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, बछड़ा अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह हे नाथ हम अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, अभिमान को कभी जीत ही नहीं सकते। जैसे गाय बछड़े को चाट कर शुद्ध कर सकती है, उसी तरह हमें पवित्र कोई कर सकता है, तो आपकी कृपा हमें पवित्र कर सकती है, वरना हम में कोई बल नहीं है कि हम काम को जीत सकें, हम क्रोध को जीत सकें, हम लोभ को जीत सकें, हम अभिमान को जीत सकें। वो कृपा करेंगे तो जीता जा सकता है, वरना हम में कोई काबिलियत, और आप में काबिलियत हो तो आप कोशिश करके देख लेना कि आप कितने परसेंट जीत पा रहे हैं अपनी बुराइयों को। तो ऐसी प्रार्थना रोज भगवान से करेंगे कि हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, जोर से बोलो, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं।